रीवा जिला न्यायालय के सप्तम न्यायाधीश की अदालत ने एक अहम फैसला दिया है, जिसमें मारपीट और तेजाब फेंकने के आरोपी बनाए गए सराफा व्यापारी के परिवार को निर्दोष साबित किया गया है। दरअसल मामला 11 फरवरी 2014 का है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के कुठुलिया में संचालित ज्वेलर्स की दुकान में पहुंचे एक दर्जन से अधिक लोगों ने लूटपाट के इरादे से हमला किया था, जिसका विरोध करने पर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। इस दौरान एसिड अटैक किया गया था। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई थी, तो मौके पर पहुंची पुलिस ने एसिड अटैक में जले लोगों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया और दोनों पक्षों से मामला दर्ज कर लिया था। लेकिन पुलिस ने सराफा व्यापारी को एसिड फेंकने का आरोपी बनाया था, जबकि दूसरे पक्ष के जो करीब 4 किलोमीटर दूर से हमला करने पहुंचे थे, जिनमें गोलू सिंह, कल्लू सिंह, जगत सिंह और आसू सिंह शामिल थे, इनके ऊपर सिर्फ मारपीट का मामला दर्ज किया था। मामले का चालान न्यायालय में पेश किया गया तो सराफा व्यापारी परिवार की तरफ से पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पांडे ने न्यायालय से मांग की और तर्क दिया कि हमलावर एसिड लेकर पहुंचे थे और विरोध करने पर एसिड फेंका। एसिड से भरा बॉटल दुकान की शटर से टकराया और उसी एसिड से आरोपी घायल हुए थे। मेडिकल रिपोर्ट भी यही कह रही थी, एसिड दूर किसी दीवार से टकराने के बाद फूटी और उसके छींटे दोनों पक्षों पर पड़े थे, जिसके आधार पर न्यायालय ने गोलू, कल्लू, जगत और आसू सिंह के ऊपर भी तेजाब फेंकने की धारा बढ़ा दी थी। पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद सप्तम न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी बनाए गए राजेश सोनी, नितेश सोनी और उनके पिता को बरी कर दिया है। पूरे मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता सुनील पांडे ने बताया कि साक्ष्य और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने फैसला सुनाया है। आइए सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर पीड़ित सराफा व्यापारी परिवार की पैरवी कर रहे अधिवक्ता सुनील पांडे को, जिन्होंने पूरे मामले पर प्रकाश डाला है। वैसे कोतवाली थाना क्षेत्र के कुठुलिया में विवाद हुआ था, जिसमें एसिड का उपयोग किया गया था, न्यायालय ने निर्णय दिया है। क्या निर्णय था और क्या घटना पूरा था? जी हाँ, इस केस का फैसला कल आया है। 7th एएसजी हैं रीवा में, उन्होंने कल फैसला किया इस केस में। और इसमें काउंटर केस थे, काउंटर केस में दोनों पक्षों को उन्होंने बरी किया। हम इसमें सोनी परिवार के पक्ष के वकील थे। सोनी परिवार के ऊपर एलिगेशन ये था कि इन लोगों ने तेजाब का इस्तेमाल किया, जिससे सिलपुरा क्षेत्र के कुछ लड़के जो TRS कॉलेज में पढ़ते थे, उनके ऊपर तेजाब की छींटे पड़े और वो लोग जल गए। काउंटर केस इसमें सोनी की रिपोर्ट में दर्ज हुआ था और उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था कि ये जो लड़के थे, ये कुठुलिया से करीब 3.5 किलोमीटर दूर सिलपुरा गांव के रहने वाले थे और ये लोग लूटपाट के उद्देश्य से हमारी दुकान में आए थे। और लूटपाट के जब उद्देश्य ये लोग आए थे, अपने साथ में तेजाब लेके चले थे ये लोग, और इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद इन्होंने तेजाब का इस्तेमाल किया, तेजाब इन्होंने हमारी दुकान के अंदर फेंकी। दुर्भाग्य कहें या इन लोग का सौभाग्य कहें, वो बॉटल दुकान के अंदर नहीं गई बल्कि शटल से टकराई और शटल से टकराने के बाद टूट गई। और टूट जाने से जो वहाँ पर ये लोग लड़के जो हमलावर थे आए हुए थे, इनके ऊपर तेजाब के छींटे पड़े और करीब 8 लोग इसमें इंजर्ड हुए। काउंटर रिपोर्ट हुई सिटी कोतवाली थाने में, दोनों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध हुआ। सोनी समाज के विरुद्ध जो मुकदमा पंजीबद्ध हुआ था, वो इस बात का हुआ था कि इन लोगों ने तेजाब का इस्तेमाल किया। 326A IPC की चार्ज लगा इनके अगेंस्ट। जो हमलावर थे उनके अगेंस्ट केवल मारपीट का चार्ज था, लेकिन कोर्ट में जब मेडिकल रिपोर्ट देखा कोर्ट ने कि सोनी पक्ष के लोगों को भी जो था तेजाब की छींटे पड़े हैं, तो कोर्ट ने जो है तो वो चार्ज बढ़ाया और चार्ज बढ़ा के 326A का चार्ज उनके अगेंस्ट भी फ्रेम किया। और दोनों केस का ट्रायल एक साथ चलाइए, दोनों का ट्रायल चला, कल इसमें जजमेंट हुआ और जजमेंट में आज दोनों केसेस में मुलजिमों को बरी किया कोर्ट ने। इसमें सोनी पक्ष की ओर से जो तो पैरवी हमने की थी, और ये पूरा का पूरा जो केस था ये मेडिकल एविडेंस में बेस्ड था, क्योंकि जो लोग इंजर्ड थे उनकी जो इंजरीज थी, जो मेडिकल रिपोर्ट बता रही थी, वो ये कह रही थी कि सीने और सीने के ऊपर के भाग में तेजाब की चोटें आई हैं। जबकि जो एलिगेशन लगा रहे थे सोनी समाज के ऊपर, वो ये लगा रहे थे कि उन्होंने अंदर से तेजाब फेंकी, वो बॉटल जमीन में टकराई, जमीन में टकरा के छींटे पड़े उसके। तो अगर नीचे से अगर तेजाब के छींटे आते तो निश्चित रूप से जो लोग इंजर्ड हुए उनके कमर के नीचे के भाग को में चोटें आनी चाहिए थी, जैसा कि मेडिकल रिपोर्ट में नहीं था। मेडिकल रिपोर्ट में यह था कि ऊपर के भाग जले हुए थे सब बच्चों के।
ये एक एलिगेशन था। तो मेडिकल रिपोर्ट इसमें बहुत महत्वपूर्ण थी और डॉक्टर एम के तिवारी साहब का इसमें बयान हुआ था, जो डॉक्टर थे जिन्होंने एमएलसी की थी उस समय, उनका ये कहना था कि इन चोटों को देख के ऐसा लग रहा है कि तेजाब किसी को लक्ष्य करके नहीं फेंकी गई, लक्ष्य बना के नहीं फेंकी गई, और अगर शटल से टकरा के छींटे, ऊपर से छींटे आए हैं तेजाब के और इनसे सारे के सारे लोग जले हैं। तो कोर्ट ने जो तो माना कि ये संदेहास्पद है मामला, कि सोनी समाज के लोगों ने जो तो इसमें तेजाब डाला और तेजाब का इस्तेमाल करके इतने सारे लोगों को जला दिया, और कोर्ट ने फिर इसमें संदेह का लाभ देके बरी किया दोनों पक्षों को।